वेलकम एवरीवन। फाइनेंशियल डिसीजन लीवरेज चैप्टर जो करते हैं, पहले हम समझते हैं लीवरेज क्या है। अब इसके अंदर जो है डिस्कशन ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा कमी है, ज़्यादा इतना कॉन्सेप्ट वाली बात इसके अंदर है नहीं, ठीक है। अरे सॉरी, ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली बात है नहीं, बाकी क्वेश्चन जो है वो वेलकम एवरीवन। बात करते हैं हम फाइनेंशियल डिसीजन के टॉपिक लीवरेज के बारे में। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है, क्वेश्चन तो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन डिस्कशन काफ़ी सारा है, काफ़ी सारी चीज़ें बातें हैं जो आपको समझनी होगी कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट क्या होता है। कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मतलब, देखो इस चैप्टर को समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको थोड़ा सा मार्जिनल कॉस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद है तो एक बार मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है जो देख लीजिएगा, वैसे लगभग याद होगा आपको। बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट की, तो सबसे पहले बात होती है कि सेल्स, उसमें से हम क्या करते हैं वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं, तो फिर हमारा क्या आ जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है। इस कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है EBIT। इसे हम क्या कहते हैं, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। और इसमें से क्या करते हैं, टैक्स लेस कर देते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाता है, जिसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कोई है तो वो लेस कर देते हैं, जो रेयर केस में होता है, जिसको हम नॉर्मली एज्यूम नहीं करते, यहाँ पर क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलते। तो नेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाता है, और इसमें डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स कर देते हैं तो आपको मिल जाता है EPS, ठीक है। ये तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हो गया, और बहुत लॉजिकल हो गया भाई, सबसे पहले सेल्स है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटाया, कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट हटाया, तो EBIT, फिर इंटरेस्ट को लेस किया तो अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स लेस कर दिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दिया, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया तो EPS आ जाएगा, ठीक है। अब लीवरेज क्या होता है, देखो एक तो होता है ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क जैसे कहते हैं, और एक होती है फाइनेंशियल रिस्क। तो समझिएगा, बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क मतलब क्या हुआ, हमने कंट्रीब्यूशन तो कमाया लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कम बचा, हमने कंट्रीब्यूशन तो कमाया लेकिन हमारे पास प्रॉफिट फिर भी कम बचा, तो ऐसा क्यों हो सकता है। ऐसा इस वजह से हो सकता है कि हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगी, हमारे लिए रिस्क हो जाएगी, समझ पा रहे हो भाई। अगर हमारी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन कमाएंगे उसका ज़्यादातर पोर्शन किस में चला जाएगा, फिक्स कॉस्ट में चला जाएगा, या फिर यूँ कह दीजिए कि फिक्स कॉस्ट तो कम है लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन भी कम है, तो भी क्या हो जाएगी, बिजनेस रिस्क। कंट्रीब्यूशन कम क्यों हो सकता है, कि आपकी सेल जो है वो कम है, तो ये जो रिस्क है वो क्या है, रिस्क क्या कहलाती है, बिजनेस रिस्क। और इस बिजनेस रिस्क से रिलेटेड क्या है, इसको मेजर करने के लिए क्या जो है हमारे पास लीवरेज है, ऑपरेटिंग लीवरेज, जो क्या करता है, इस बिजनेस रिस्क को मेजर करता है, क्लियर है। और एक होती है फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क मतलब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से हमारा प्रॉफिट जो है वो कमाया लेकिन फिर भी इक्विटी शेयर होल्डर का जो है उसके पास पैसा कम बचा, उसका अर्निंग पर शेयर है जो कम है। ऐसा कैसे हो सकता है, सपोज हमने क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा ही डेब्ट है जो ले लिया कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो हम पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन वो पैसा है जो इंटरेस्ट के रूप में बाहर चला जाता है, हमारे पास कम पैसा बचता है, तो ये क्या हो जाएगी, इस इंटरेस्ट से रिलेटेड कैपिटल स्ट्रक्चर के वजह से जो भी कॉस्ट में कमी आ जाता आ रही है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट के अंदर EPS के अंदर अर्निंग में चेंज आ रहा है, उससे रिलेटेड जो रिस्क है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क। मतलब कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से हमारी जो रिस्क है वो क्या कहलाती है, फाइनेंशियल रिस्क कहलाती है, और जिसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज है जो यूज़ करते हैं। अब समझिएगा ये होते क्या है लिवरेज और किस तरीके से, तो पहले तो इनको एक एक को समझ लेते हैं कि ये लिवरेज कैलकुलेट कैसे होते हैं। मेनली आपके पास तीन लिवरेज है, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, ठीक है, और ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आ जाता है, कंबाइंड दोनों का मिक्स करके, ठीक है। तो इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं,
अगर आपको ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो कैलकुलेट करना है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना होगा। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, जिसको मैंने क्या किया है यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो डायग्राम के थ्रू क्या, ये जो है किसके लिए, ऑपरेटिंग लेवरेज के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। ये जो है किससे रिलेटेड है, ये फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और ये जो है ये कंबाइंड लेवरेज के लिए। तो ऑपरेटिंग लेवरेज के अंदर देखो डायग्राम कैसे किया है, जो मार्क के वो इस साइड में दे रखा है, मतलब क्या करना है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT। और फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए क्या करना होगा आपको, EBIT डिवाइडेड बाई EBT। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, EBIT डिवाइडेड बाई EBIT। तो देखो हमने क्या कहा कि ऑपरेटिंग जो बिजनेस रिस्क है, ऑपरेटिंग रिस्क है, वो क्या कहता है कि हमने कॉन्ट्रीब्यूशन तो कमाया लेकिन उसमें फिक्स कॉस्ट का पार्ट है जो कितना चला जाता है, तो उसको मेजर करने के लिए ऑपरेटिंग लिवरेज है जो यूज़ करते हैं। और फाइनेंशियल लिवरेज जो है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से, मतलब कि हमने अर्निंग तो कमाई लेकिन उसमें से इंटरेस्ट का पोर्शन है जो चला गया, तो EBIT डिवाइडेड बाई EBIT करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज हो जाएगा। और कंबाइंड लिवरेज के लिए आपको क्या करना होगा, ये क्या होता है ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो EBIT से EBIT कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। थोड़ा सा 10-15 मिनट पेशेंस रखिएगा, फिर आपको पूरा समझ आने लग जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये कहता है डिग्री ऑफ लिवरेज। डिग्री ऑफ लिवरेज मतलब ये जो लिवरेज हम कैलकुलेट करते हैं, इन लिवरेज का यूज़ क्या होता है, इन लिवरेज का यूज ये होता है कि आप इनकी वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें जो कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। जैसे कि अगर आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज है, तो उस ऑपरेटिंग लिवरेज की मदद से आप कुछ पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो, ऑपरेटिंग लिवरेज की मदद से आप पता कर सकते हो। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज की डिग्री जो है वो इस साइड के अंदर, ये डिग्री से रिलेटेड है। तो डिग्री के लिए क्या कहा, ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो क्या कर सकता है, चेंज इन EBIT और चेंज इन सेल्स का जो है वो रिलेशन डिसाइड करता है। हमने कहा कैसे सा, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू, या फिर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। देखो ये डायग्राम जो है उसके अंदर देखो मैंने ये एरो का निशान ऊपर की साइड में किया है, यहाँ पर ये ऊपर की साइड में क्यों किया है, क्योंकि यहाँ ऊपर की जो आएगा वो चेंज इन EBIT आएगा और नीचे जो है वो चेंज इन सेल्स आएगा, ठीक है। वैसे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ये क्या कहता है, ये कहता है चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, ठीक है। ये इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस हटा दीजिए, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आता नहीं है, ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन में पूछ देने। और उसी तरीके से डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज जो है वो क्या करता है, चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। सर मतलब क्या हुआ इनका कहने का, मतलब ये हो देखो ये कंबाइंड लिवरेज से रिलेटेड हो गया और ये फाइनेंशियल लिवरेज। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज है, आपको पता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज आपका क्या है, तो उस केस के अंदर अगर आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज है तो फिर आप, और किसी ने कहा कि अगर सेल 10% से बढ़ेगी तो आपकी EBIT पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो आप उसकी मदद से EBIT में कितना इम्पैक्ट आएगा वो पता कर सकते हो। अगर आपके पास फाइनेंशियल लिवरेज है तो फिर, और कोई पूछे सॉरी चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय चेंज इन EBIT, सॉरी बॉस, ठीक है, चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय चेंज इन EBIT, ठीक है। और ये चेंज इन EPS ये तो क्या हो गया, चेंज इन EBIT कंबाइंड लिवरेज, तो ये क्या हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो चेंज इन EBIT और चेंज इन EBIT हट गए, तो चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिएगा, समझिएगा भाई, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या बताता है कि EBIT में चेंज अगर आपको पता है, ठीक है,
और आपको फाइनेंशियल लिवरेज पता है तो आप पता कर सकते हो ईपीएस में कितना चेंज आएगा, या फिर आपको ईपीएस में चेंज कितना वो पता है और फाइनेंशियल लिवरेज पता है तो आपको आप ये पता कर सकते हो उसके लिए ईबीआईटी में कितना चेंज करना पड़ेगा। और कंबाइंड लिवरेज जो है वो अगर आपको पता है तो आप, और कोई कह देखिए आपका जो कंबाइंड लिवरेज है वो ये है और 10% सेल में इंक्रीज होगा तो बताइए ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो आप ईपीएस पे इम्पैक्ट है जो कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो कैलकुलेशन उन सारों में प्रेफरेंस डिविडेंड को इग्नोर करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड का क्वेश्चन रेयर ही पूछा जाता है। सर अब समझाइए हमें एक एक को, अब हम पहले चलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज को और उस ऑपरेटिंग लिवरेज को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ये कब माइनस में होता है, कब प्लस में होता है, सारी चीज़ क्या होता है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन, और उसमें से लेस फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास आ जाता है ईबीआईटी, ठीक है। और ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी करके कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है भाई, ठीक है। अब अलग अलग सिचुएशन लेते हैं, सपोज आपका वेरिएबल कॉस्ट जो रहता है वो 50% रहता है, तो उस केस के अंदर सपोज आपकी सेल जो है वो 1 लाख की है, ठीक है, और आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या है, कितनी हो जाएगी 50% मतलब 50,000, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है हो जाएगा 50,000, क्लियर। अब आपका फिक्स कॉस्ट सपोज आपका है 10,000, ये फॉर्मूला थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ठीक है, तो आपका ईबीआईटी कितना बचेगा 40,000, तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मतलब कि 50,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 40,000, जो कितना हो गया आपका 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 कितना हो गया, ये 1.25, कितना हो गया 1.25। अब देखिए आपको समझना है, ध्यान से समझना है, अब अगर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होती है, अगर फिक्स कॉस्ट सपोज बढ़ जाती है तो उस केस में ऑपरेटिंग लिवरेज पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो भाई उससे आगे की बात करते हैं। सपोज यही 1 लाख है, ठीक है, और ये वेरिएबल कॉस्ट 50,000 है, ठीक है, और ये हो गया आपका 50,000, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट सपोज 10,000 की जगह कितना हो गया 25,000 हो गया, सपोज कितना हो गया 25,000 हो गया, तो आपका ईबीआईटी कितना बचा 25,000। तो इस केस के अंदर क्या हो गया, 50,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना 25,000, तो कितना हो गया 2। तो मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो बढ़ेगा, इज इट ओके, ठीक है। फिर इसका एक और आपको समझना है कि अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट पे, अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर फिक्स कॉस्ट लेस करने के बाद में अमाउंट कितना बचे, 0 बचे, मतलब ईबीआईटी कितना हो 0 हो, तो उस केस में क्या होगा, फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये 50,000 होनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये 50,000 बाई कॉन्ट्रीब्यूशन के बराबर अगर फिक्स कॉस्ट होगी तभी जाके ये 0 होगा, किस में से क्या लेस करें तो 0 बचे, तो ये सपोज 1 लाख का 1 लाख इनके अंदर चेंज नहीं कर रहे अपन, और वेरिएबल कॉस्ट जो 50,000 तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 50,000, तो फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 50,000 होनी चाहिए, तब आपका क्या होगा, ये 0 होगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कितना होगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो फिर आप क्या कह सकते हो, एट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। अगर फिक्स कॉस्ट है जो कम होगी तो क्या होगा, अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है तो उस केस में ऑपरेटिंग लिवरेज है जो इंक्रीज हो रहा है, तो फिक्स कॉस्ट अगर कम होगी तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट अगर कम होगी तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी जो है वो क्या होगा, कम होगा, क्लियर है, समझ पा रहे हो बात। सर कैसे,
जैसे यहाँ पर 10,000 की जगह फिक्स कॉस्ट सपोज अभी 10,000 की जगह 5,000 हो जाती है, तो उस केस में क्या होता, आप क्या कहते हैं 1 लाख, उसमें से गया ये 50,000, ये बचा 50,000, और सपोज ये आपकी कितनी हो जाती 5,000 होती फिक्स कॉस्ट, तो ये कितना हो जाता 45,000। तो उस केस के अंदर क्या हो जाता, आप क्या कहते हैं आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कितना होता, आप कहते हैं साहब 50,000 / 45,000, तो कितना हो जाता 50,000 / 45,000, तो कितना हो जाता 1.11। तो आपकी फिक्स कॉस्ट जैसे ही कम हुई वैसे ही आपका क्या हो जाएगी ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई ऑपरेटिंग लिवरेज जो होता है वो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी होता है, और जैसे ही आपकी फिक्स कॉस्ट है जो इंक्रीज़ होती है वैसे ही आपका ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही आपकी फिक्स कॉस्ट है जो क्या हो जाती कम हो जाती है, वैसे ही क्या हो जाता ऑपरेटिंग लिवरेज जो वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। और हमने क्या कहा एट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है फिक्स कॉस्ट होता है, तभी तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, एंड एट उस टाइम एंड एट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। सारी बात समझ आ चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? अब इसके बाद में अगर आप और समझना चाहो कि भाई पीवी रेशियो अगर चेंज होता है तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो पीवी रेशियो में चेंज करके देख लेते हैं। सपोज ये एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, इसके इसी को अपन यहाँ से काट के ले लेते हैं। अरे भाई सॉरी, इसी को काट के अपन ले लेते हैं कि पीवी रेशियो का और इसका क्या रिलेशनशिप होगा। ये है सपोज इनकी सिचुएशन, इस समय क्या है यहाँ पर क्या है पीवी रेशियो कितना है, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स होता है, तो यहाँ पीवी रेशियो कितना है 50%। अब सपोज पीवी रेशियो क्या कर दें, अब सपोज पीवी रेशियो जो है वो क्या कर दें 60% कर दें, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 60% मतलब कि 60,000, तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी 40,000, उसमें से फिक्स कॉस्ट है जो सेम ही रखें, एक कंपोनेंट एक टाइम में एक ही कंपोनेंट देखेंगे, तो डिवाइडेड बाय 40,000, तो कितना हो गया 60,000 / 40,000 मतलब कितना हो गया ये 1.5, ठीक है। अब आपको पता है कि जो एक बार हो रहा वही बार बार होगा, मतलब क्या हुआ अगर आपका पीवी रेशियो जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उस केस के अंदर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या होगा इंक्रीज होगा। मतलब क्या हुआ अगर आपका पीवी रेशियो लेस हो कम हो रहा है तो उस केस के अंदर ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ पीवी रेशियो से कैलकुलेट किया नहीं जा सकता। तो ये हमने पूरा का पूरा किसके बारे में बता गया ऑपरेटिंग लिवरेज, और ऑपरेटिंग लिवरेज का ब्रेक इवन पॉइंट के साथ हमने इसका डिस्कशन किया। अब इसके बाद में और क्या है, देखो सबसे पहले तो हमने ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में पढ़ना है, जो हम ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट एंड ऑपरेटिंग लिवरेज जो हम पढ़ चुके, फिर बात करनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ऑपरेटिंग लिवरेज, फिर बात करनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड रटिएगा मत, फिर कह रहा हूँ इसको रटिएगा मत, नहीं तो फॉर्मूले याद करते करते पागल हो जाओगे, समझ लीजिएगा। अब बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है सेल अबो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की सेल, ठीक है। जिसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल सेल्स लेस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, तो भी आप क्या कर सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ बात तो सही है भाई सर, ऐसी बात ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो अब इसका रिलेशनशिप है जो देखते हैं, तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसे ये आपकी सेल जो है वो कितनी है 1 लाख है, ठीक है, लेस ये पीवी रेशियो कोई 50% वाला मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया 50,000, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट
ये हो गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कितना हो गया सपोज 20, सॉरी भाई, ये हो गया 5 लाख, तो ये हो गया 5 लाख, ठीक है। लेस इसमें से क्या कर देंगे, फिक्स कॉस्ट जो हम मान लेते हैं 2,50,000, कितना 2,50,000, तो क्या हो जाता है ये आपका प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाता है, प्रॉफिट या EBIT, प्रॉफिट जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग का लैंग्वेज और EBIT ये लिवरेज वाले की लैंग्वेज है, तो ये कितना हो गया 2,50,000। अब अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कितना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करते हो BE टोटल सेल, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करते हो। और आज तक आपने यही चीज़ सीखी है, टोटल सेल्स में से क्या कर दो, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है जो लेस कर दीजिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट की सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना होगा, 0 होगा, फिक्स कॉस्ट चेंज होगी नहीं, तो फिक्स कॉस्ट 2,50,000 की 2,50,000, तो उस केस में कंट्रीब्यूशन कितना अर्न करना होगा 2,50,000, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 50% होता है, मतलब सेल कितने की करनी होगी 5 लाख की, तो BEP जो है वो कितना है 5 लाख, BEP जो है वो कितना है 5 लाख, ठीक है। तो MOS कितना हो जाएगा, आप क्या कहोगे, हमारी टोटल सेल कितने की है 10 लाख की है, और जिसमें से BEP सेल्स जो है वो कितने की है, BEP सेल जो है वो कितने की है, BEP सेल है 5 लाख रुपए की, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कितना है आपका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो सेल है वो 5 लाख, और अगर परसेंटेज कैलकुलेट करना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल MOS सेल परसेंटेज, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे कि 5 लाख जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कितने में से, 10 लाख में से, तो मतलब 50% जो है वो आपका क्या है MOS है, 50% जो है वो आपका MOS है। ये तो जो वो है जो सर आपने मार्जिनल के अंदर पढ़ा, यहाँ पर एक चीज़ और नहीं सीखेंगे, वो क्या सीखेंगे कि भाई MOS को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है आपके पास, वो कैसा, वो ये कि अगर आपको MOS परसेंटेज कैलकुलेट करना है, अगर आपको MOS परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन करके भी आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट एट टोटल सेल, कंट्रीब्यूशन एट टोटल सेल करके भी MOS जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, समझिएगा, अगर आपकी कंपनी की सेल जो है वो 10 लाख रुपए, तो उस केस के अंदर आपको पता है कि भाई 5 लाख पे तो ब्रेक इवन पॉइंट और 5 लाख आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50%, तो आप क्या कहोगे कि भाई प्रॉफिट एट टोटल सेल कितना है, 5 लाख पे कितना आ रहा है, सॉरी 10 लाख की सेल पे कितना आ रहा है 2,50,000, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन एट टोटल सेल्स, कंट्रीब्यूशन एट टोटल सेल्स कितना है 5 लाख, तो ये क्या कह देता है MOS परसेंटेज कितना है 50%, क्या सही है, 10 लाख में से 5 लाख MOS और 5 लाख ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि सही क्या बता रहा है ये नहीं बता रहा है, BEP पे कैलकुलेट करके बता दीजिए, ठीक है। BEP पे क्या है, प्रॉफिट कितना है 0 है, और BEP पे कंट्रीब्यूशन कितना है 2,50,000, तो एट बीईपी MOS कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ पा रहे हो बात, क्योंकि 5 लाख की टोटल सेल है, 5 लाख की अगर BEP है, तो उसके इसके अंदर MOS कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा और डाउट हो तो आप 6 लाख की सेल पे चेक कर लीजिए, 6 लाख की सेल होगी तो आपका वेरिएबल कॉस्ट 50% गया 3 लाख, बाकी बचा कितना 3 लाख, इसमें से फिक्स कॉस्ट चली गई 2,50,000, तो उस केस के अंदर बाकी जो बचा वो कितना बचा 50,000। तो MOS का परसेंटेज यूँ कैलकुलेट करें तो कितना 6 लाख है सेल, जिसमें से 5 लाख पे ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब एक्सेस सेल कितनी 1 लाख है, तो 1 लाख जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल है कितने में से 6 लाख में से। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मार्जिनल कॉस्टिंग आपको सही से नहीं पढ़ रखी है, तो कॉस्टिंग वाले प्ले लिस्ट के अंदर कॉस्टिंग में जाइए, वहाँ मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख कितना
कितना है 16.66%। ठीक है, और अगर आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो तो आप क्या कहोगे कि प्रॉफिट कितना है भाई 50,000 और कंट्रीब्यूशन 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो भी आपका एमओएस का परसेंटेज कितना आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, तो कितना हो गया 166.66। ठीक है, तो आप एमओएस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, प्रॉफिट जिसे आप अपनी लैंग्वेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट कहते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे उसे, प्रॉफिट को क्या कहते हैं ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन करके आप क्या कर सकते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, सही बात है, आप जो बता रहे हो अभी तो हम इस बात से तो कन्विंस हो गए। तो अब इस बात से अगर कन्विंस हो गए हो तो अब आपको मेरी एक बात और सुननी होगी, बताइए ऑपरेटिंग लिवरेज यानी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, सही है, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, और MOS परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो EBIT डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय MOS परसेंटेज कैलकुलेशन। ठीक है, सिर्फ MOS ही लिखते हैं, ठीक है, MOS लिख के लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये जस्ट क्या, देखो MOS परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए EBIT डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन और ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, जस्ट अपोजिट है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है तो क्या कर दो 1 डिवाइडेड बाई MOS कर दो, और MOS अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उस केस के अंदर क्या कर दो 1 डिवाइडेड बाई ऑपरेटिंग लिवरेज। क्लियर है, तो यहाँ तक हम क्या चीज़ समझ चुके हैं, तो देखो अभी तक हमने क्या कहा कि फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग लिवरेज का हमने रिलेशनशिप समझा। ठीक है, जो हमने रिलेशनशिप समझा उसको हमने क्या कर देते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट कम होगी ऑपरेटिंग लिवरेज, एट BEP कंट्रीब्यूशन हो रही है और एट BEP ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो क्या होगा इनफाइनाइट होगा। ठीक है, PV रेशियो अगर बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी बढ़ेगा, PV रेशियो कम होगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी कम होगा, फिर हमने सेकंड बात ये समझी। ठीक है, फिर थर्ड जो वो पढ़ा उसका नेट कंक्लूजन क्या, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय MOS, और MOS डिवाइडेड बाय क्या इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग लिवरेज। क्लियर, यह चीज़ हमने समझी, यहाँ तक की बातें तो सर समझ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आगे की भी आएगी, यहाँ तक की आई है तो आगे की क्यों नहीं आएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज की। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लेस फिक्स कॉस्ट, तो ये क्या आ जाता है EBIT, फिर क्या करते हैं लेस इंटरेस्ट तो क्या हो जाता है EBT, और फाइनेंशियल लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ठीक है, तो फिर पहले तो यही देख लेते हैं, पहले एक तो इक्वेशन पूरी लिख देते हैं। ठीक है, 1 लाख, और ये सपोज PV रेशियो फिर 50% है, ये हो गया 50,000, ये हो गया 50,000, फिक्स कॉस्ट कर लेते हैं 10,000। ठीक है, तो आपका EBIT हो जाता है 40,000। ठीक है, और सपोज आपका इंटरेस्ट जो है वो कितना है 10,000, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा EBIT कितना हो जाएगा 30,000। तो आप क्या कहोगे फाइनेंशियल लिवरेज कितना है 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो कितना हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो कितना हो गया 1.333। अब सपोज फिक्स, अब यहाँ से अब EBIT से देखना है। ठीक है, अब सपोज EBIT जो थी 40,000 थी, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट का पैसा है जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो बढ़ गया 10,000 की जगह 10,000 की जगह अगर 20,000 हो जाता है तो उस केस में क्या होगा ये कितना हो जाएगा 20,000। मतलब जैसे इंटरेस्ट का कंपोनेंट बढ़ेगा तो फिर आपका फाइनेंशियल लिवरेज क्या हो जाएगा 40,000 20,000, मतलब कितना हो जाएगी 2। और अगर इंटरेस्ट का पैसा कम हो जाता है 40,000 और इंटरेस्ट का पैसा कितना लगे सिर्फ 5,000 लगे तो उस केस में कितना हो जाएगा 35,000, तो कितना हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 35,000, तो कितना हो गया 1.1428। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा, मतलब अगर आपका
इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उस केस में आपका फाइनेंशियल लिवरेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आपका इंटरेस्ट का पैसा कम होता है तो उस केस के अंदर फाइनेंशियल लिवरेज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर, समझ आ रही है बात यहाँ तक कि कोई, यहाँ तक कि कोई डाउट वाली बात है क्या? तो उसके अलावा और क्या देखना है? तो देखो भाई, ऑपरेटिंग लिवरेज देख लिया, ऑपरेटिंग लिवरेज और ब्रेक इवन पॉइंट का रिलेशन देख लिया, MOS और ऑपरेटिंग लिवरेज का रिलेशन देख लिया, ठीक है। उसके बाद में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वगैरह वो सारा अपन अभी देखेंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज नेगेटिव कब होता है और वो भी सारी चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज का एक अभी सिर्फ रिलेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में और चीज़ें देख लेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि ये ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज है वो नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव कब होते हैं और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव कब होते हैं, ठीक है। तो अभी दोनों को और एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा, किससे रिलेटेड कि ये पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब, ठीक है। अभी देख लेते हैं, पहले ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ ही रहे हैं तो फाइनेंशियल लिवरेज का ही कर लेते हैं। तो अगर अपने को नेगेटिव करना है तो ये जैसे आपकी EBIT जो है वो कितना है, सेम ही रखते हैं कंटिन्यू, EBIT जो है वो कितना है, EBIT लेस इंटरेस्ट और तो ये आ जाता है आपका EBT। अब सपोज आपका EBIT जो है वो कितना है, 40,000, ठीक है। और जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट का कंपोनेंट बढ़ेगा वैसे वैसे फाइनेंशियल लिवरेज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो? अब एक टाइम आया कि ऑपरेटिंग लिवरेज, सॉरी EBIT के एक्चुअल में कैमरा स्टैंड जो है वो नीचे गिर गया, उसकी वजह से टूट गया, तो उसे आज रिपेयर करेंगे, तो आगे का वीडियो जो है उसमें शक्ल नहीं दिखेगी आपको। तो हम क्या कह रहे थे, चलो कोई उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्रीन बड़ी हो गई आपके सामने लिए, सामने फ़ायदा ही एक तरीके से, ठीक है। कल तक आपको वापस चेहरे के साथ मिलेंगे, अभी ये इसको लेक्चर को यूँ ही कम्प्लीट करते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना हो गया, फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो कितना हो गया, 40,000 डिवाइडेड बाय 0 मतलब कितना हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। अगर ये 40,000 है और अगर इंटरेस्ट का कंपोनेंट जो है वो 50,000 है, तो उस केस के अंदर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 40,000 डिवाइडेड बाय माइनस 10,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 4, ठीक है। और 40,000 डिवाइडेड बाय अगर ये 30,000 है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, 10,000। तो ये क्या हो जाएगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो उस केस के अंदर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, अगर आपका फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो इनफाइनाइट है, उसका मतलब क्या है, आपका EBIT इज इक्वल टू क्या है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, इसको इंटरेस्ट मत लिखिए, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट लिखिए, इज इक्वल टू क्या है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, समझ पा रहे हो? जहाँ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है वहाँ EBIT का फाइनेंशियल लिवरेज क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा। अगर आपका फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो हायर देन है किससे, आपके EBIT से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? और लास्ट, जब आपका फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट जो वो कम है किससे, EBIT से, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, आपका फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में आपने पढ़ लिया। वैसा का वैसा अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज है तो उस केस के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो आपका क्या आ जाता है, EBIT, और इससे आपको क्या मिलता है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है। तो समझिएगा,
कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन है सपोज आपका 1 लाख है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट है सपोज आपका 50,000, फिक्स कॉस्ट कितना है सपोज आपका 50,000, तो उस केस के अंदर EBIT कितना जाएगा आपका 50,000। तो यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या जाएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव। अगर ये 1 लाख है और फिक्स कॉस्ट भी क्या हो जाए आपकी 1 लाख हो जाए, तो आपका EBIT क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसे आप क्या कहते हो, इस सिचुएशन को क्या कहते हो, ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 0, मतलब कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और थर्ड सिचुएशन 1 लाख और अगर आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 1,10,000 है, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस के 10,000, मतलब क्या हुआ, 1 लाख डिवाइडेड बाय माइनस के 10,000, मतलब कि क्या हो गया, माइनस का 10। तो फाइनेंशियल लिवरेज जब ऑपरेटिंग लिवरेज जब आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा है किससे, फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है, और मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट पे हो, ठीक है। अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है फिक्स कॉस्ट से और आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, मतलब कि प्रॉफिट अर्न मतलब EBIT जो है वो पॉजिटिव है, यूँ समझ लीजिए कि EBIT जो है वो पॉजिटिव है, क्लियर है। अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो इन्फानाइट है, तो इसका मतलब क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या है, फिक्स कॉस्ट है, इसका मतलब क्या है, आपका EBIT जो है वो क्या है, 0 है, क्लियर है। वैसा का वैसा अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो नेगेटिव है, इट मीन कि आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो कम है किससे, फिक्स कॉस्ट से, और आपका EBIT जो है वो भी नेगेटिव है, क्लियर है। तो ये आपने पढ़ लिया फाइनेंशियल लिवरेज का और ऑपरेटिंग लिवरेज के सारे रिलेशन, किसके साथ किस किस तरीके से, रटने की ज़रूरत नहीं, समझ लीजिए ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं। तो ये सारी चीज़ अपन ने पढ़ चुके हैं, अब इसके अलावा और कुछ पढ़ना है, तो अब इसके अलावा जो डिग्री है उसका यूज कैसे होता है, तो समझिएगा, सपोज एक फॉर्म है जिसकी ये इस तरीके का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, ये था उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लेस फिक्स कॉस्ट, तो ये आपका आ रहा था EBIT, लेस इंटरेस्ट, तो आ गया आपका EBT, और लेस इंटरेस्ट, तो आपका आ गया EAT, ठीक है, और प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड मानते हैं कि 0 है, नॉर्मली इसके सारे क्वेश्चन में 0 ही होगा। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है, EPS आ जाता है। तो यहाँ पर देखो सिचुएशन समझिएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो आपके कैलकुलेशन में किस तरीके से मदद करेंगे समझिएगा। सपोज आपकी सेल जो थी वो 1 लाख थी, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन रेशियो सपोज आपका 60% है, तो उस केस में वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। सपोज आपकी फिक्स कॉस्ट है जो 10,000 है, ठीक है, तो ये आपका EBIT जो है वो कितना हो जाएगा, EBIT ये हो जाएगा आपका 50,000, क्लियर है, समझ पा रहे हो, ठीक है। उसमें से सपोज आपके इंटरेस्ट की कॉस्ट भी 10,000 है सपोज, ठीक है, तो उस केस के अंदर EBIT जो है वो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, EBIT लेस इंटरेस्ट, अच्छा टैक्स नहीं किया है, EBIT लेस टैक्स, सपोज टैक्स जो 40% पे, तो 40,000 40% मतलब 16,000, तो ये आपका क्या आ गया, EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो कितना बचा, 40,000 माइनस 16,000, समझने का ही है, बाकी क्वेश्चन इसके बहुत आसान है, कितना हो गया, 24,000, ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा। फिर इसमें से लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो नॉर्मली ये मानता नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कितने का, 24,000 का, और सपोज नंबर ऑफ शेयर जो है वो कितना है आपका,
10,000 है, तो आपका EPS जो है वो कितना आ जाएगा, EPS जो है वो कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आपसे पूछा कि ऑपरेटिंग लिवरेज पता करो। हमने कहा ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, मतलब कि कितना हो गया, 60,000 डिवाइडेड बाई 50,000 कितना हो गया, 1.2। फाइनेंशियल लिवरेज कितना हो गया, EBIT अपॉन EBT, ठीक है, तो कितना है, 50,000 डिवाइडेड बाई 40,000, ठीक है, तो कितना हो गया ये, 50,000 डिवाइडेड बाई 40,000 कितना हो गया, 1.25, ठीक है। और कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या तो 1.2 और 1.25, 1.2 × 1.25, तो ये आपका आ जाता है 1.5, या फिर आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय आपका ये EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, तो ये 40,000, तो भी कितना आएगा, 1.5, दोनों ही तरीके से आएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन ने ये कहा कि सपोज सेल जो है वो 10% से इंक्रीज होगी, सपोज सेल जो है वो 10% से इंक्रीज होगी, तो उस केस के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा आपके कंट्रीब्यूशन पे, क्या फ़र्क पड़ेगा आपके EBIT पे वगैरह पे, सारों पे इम्पेक्ट है जो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ समझिएगा, जो हमने कहा था कि ऑपरेटिंग लिवरेज है जो वो क्या बताता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, मतलब क्या हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि सेल के अंदर 10% चेंज हुआ, सेल के अंदर 10% चेंज हुआ, और आपसे पूछे कि EBIT में कितना चेंज होगा, तो ये क्या करोगे, ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है, 1.2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना बता रहा है, 10%, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय ये ऑपरेटिंग लिवरेज 1.2, तो ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT कितना हो जाएगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10%, मतलब कितना, 12% EBIT में चेंज आएगा। चेक करना चाहते हो कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो चेक कर लीजिए, सेल जो है वो 10% से इंक्रीज कर दीजिए, 1 लाख की जगह कितना हो जाएगा, 1 लाख प्लस 10% कितना, 1,10,000, ये हो गया 1,10,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी, इसकी 40% है, 0.4, तो कितना हो गया ये, 44,000, तो ये कितना बचा कॉन्ट्रीब्यूशन, 66,000, ठीक है। उसमें से फिक्स कॉस्ट जो है वो कितने चले गए, 10,000, तो ये कितना बचा, 56,000, तो चेक कर लो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 6,000 रुपये बढ़े कितने पे, 50,000 पे, तो 6,000 डिवाइडेड बाई 50,000 कितना, 12%, समझ पा रहे हो, कितना बढ़ा है, 6,000 का इंक्रीज हुआ है 50,000 पे, तो कितना परसेंट, 12%, क्लियर है, समझ पा रहे हो, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब ये जो है फाइनेंशियल लिवरेज वो क्या बताता है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब यहाँ पर EBIT में कितना परसेंट चेंज है, 12% है, तो आपको पता है कि फाइनेंशियल लिवरेज आपका 1.25 है, तो EPS में कितना चेंज आना चाहिए, तो ये इसके डिवाइड में, ये इधर जाते से ही क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो उस केस के अंदर, एक सेकेंड, ये पेन भी अभी ख़त्म हो गई है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 1.25 × कितना, 12%, तो 1.25 × 12% मतलब कितना चेंज आना चाहिए, 15% चेंज आना चाहिए, तो क्या चेक कर ले, क्या चेक कर लेते हैं भाई, ये 2 मिनट रुकेगा, ये पेंसिल थोड़ी चार्ज हो रही है, तब तक आप अपनी कैलकुलेशन साथ में करते जाइएगा, 56,000 − 10,000 तो कितना आ गया, 46,000, ठीक है, तो EBIT कितना हो जाएगा, 46,000, क्लियर है, 46,000, और उसमें से 40% टैक्स चला जाएगा, -40%, तो आपका कितना बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, 27,600 में से प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं, तो 27,600 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है, 10,000, तो कितना हो जाएगा EPS आपका, 2.76, नया EPS कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2.76, तो आप चेक कीजिए EPS में कितना इंक्रीज हुआ है,
2.76 माइनस 2.4 कितना हुआ है, 0.36 हुआ। तो 0.36 डिवाइडेड बाय 2.4 तो कितने परसेंट, 15%। समझ पा रहे हो बात? तो ये इस तरीके से काम आएगा। अब कंबाइंड लिवरेज का क्या यूज है, कंबाइंड लिवरेज क्या बताता है, परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये सीधा परसेंटेज चेंज इन EPS और परसेंटेज चेंज इन जो सेल्स है वो बता देता है। समझ पा रहे हो बात किस तरीके से सर? तो देखो, परसेंटेज चेंज इन EPS अगर कैलकुलेट करना है, जो आपको पता है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 15%। तो देख लो, परसेंटेज सेल में कितना था, 10% था, तो 10 × 1.5 करो तो कितना हो जाएगा, 15%। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और ये इनका सबका इस तरीके से यूज होता है। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि हमने सारी चीज़ें जो अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है, अब आप ये जो पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, रिस्क वगैरह कहाँ, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें जो हम देख चुके हैं कि कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का क्या मतलब नेगेटिव का क्या मतलब, सारी चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं। एक कंपनी प्रोड्यूसेज एंड सेल 10,000 शर्ट, सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है, 500, वेरिएबल कॉस्ट है जो 200% एंड फिक्स कॉस्ट जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट 25 लाख। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज इफ सेल आर ग्रोन बाय 10%, कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन EBIT। कोई दिक्कत आएगी क्या भाई? समझ पा रहे हो बात कि 10,000 शर्ट है, एक शर्ट 500 पे, तो कितनी हो जाएगी सेल प्राइस, 10,000 × 500, वेरिएबल कॉस्ट 10,000 × 200, कंट्रीब्यूशन आ गया ये इसमें से लेस किया तो फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे और ये EBIT आ जाएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, अगर सेल जो है वो 10% से इंक्रीज होता है तो ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ रहा है, 30 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो कितना हो गया ये 6 आ गया। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन EBIT, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, 10% है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT, ये इसके डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 6 × 10, तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। या तो इसको परसेंटेज में मत लिखिए, या इसको क्या लिख दीजिए, इस तरीके से लिख दीजिए, 0.10 लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 0.10, तो मतलब 0.60, मतलब 60% जो है इंक्रीज होगा। क्लियर है, कर लोगे क्वेश्चन? क्वेश्चन इसके बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा लेंथी था, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर ईच ऑफ द फोर फॉर्म ABC and D फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डाटा। सेल प्राइस पर यूनिट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है। व्हाट कैलकुलेशन कैन ड्रॉ विद रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज रिजल्ट, एक्सप्लेन, एज्यूम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 5,000। वो कह रहा है कि 5,000 यूनिट है जो सोल्ड किया, तो 5,000 पे एक ऑप्शन का 5,000 × 20 1 लाख, 5,000 × 32 1,60,000, 5,000 × 58 2,50,000 और 5,000 × 70 तो ये 3,50,000। ये वेरिएबल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इनके वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी 5,000 × 6 जो है ए के लिए, 5,000 × 16 जो है वो बी के लिए, और इस तरीके से। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन इसने लिखा नहीं, कंट्रीब्यूशन लिख दीजिए, कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 70,000, इसका कितना हो गया 80,000 और इसका कितना हो गया 150 और इसका कितना हो गया 350 माइनस 250 मतलब 1 लाख। ठीक है, और फिर इसमें से फिक्स कॉस्ट 60,000, 40,000, 10,000 और ये नील, ये 60,000, 40,000, 1 लाख और नील, तो ये इसका आ गया। और फिर इनका क्या कर दो, ऑपरेटिंग लिवरेज है जो कैलकुलेट कर दो 7,231। ठीक है, और फिर इसके बाद में उसने इम्पैक्ट पूछा है कि क्या क्या होगा, तो आपको पता है कि भाई जैसे फिक्स कॉस्ट है जो बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज है जो बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे फिक्स कॉस्ट है जो आपकी फिक्स कॉस्ट देखो पढ़ ही लेते हैं, तो ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज ए फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग लिवरेज होगा, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं होगा, मतलब कि 1 के बराबर होगा। ठीक है,
वन मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज का नहीं होना, जीरो मतलब नहीं है, वन का वन मतलब है ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं है, उसके अंदर कोई लिवरेज है ही नहीं, ठीक है। इन दिस केस फॉर्म डी देर इज नो मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑफ ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन सेल्स, ए 20% इंक्रीज इन सेल्स हैव रिजल्ट 20% इंक्रीज इन ईबीआईटी। देखो जिसमें ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं है इसका मतलब क्या, उसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है, मतलब सेल जितनी बढ़ेगी उतना ही क्या बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा उतना ही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का अमाउंट है जो जीरो है, समझ पा रहे हो भाई, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट जीरो, सॉरी माइनस फिक्स कॉस्ट, तो ये आता है आपका ईबीआईटी। अगर फिक्स कॉस्ट जीरो है मतलब कि सेल अगर 10% से बढ़ेगी तो कॉन्ट्रीब्यूशन भी 10% से बढ़ेगा, क्यों, कॉन्ट्रीब्यूशन और इनका तो डायरेक्ट रिलेशन है, समझ पा रहे हो, सेल का परसेंटेज होता है, पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन, तो अगर 50% है सेल 100 है तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, अगर ये 200 हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, मतलब कि जिस स्पीड में ये बढ़ेगा, जिस स्पीड में सेल्स बढ़ेगा उसी स्पीड में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। अब फिक्स कॉस्ट अगर नहीं है तो उस केस के अंदर ईबीआईटी भी क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएगा, मतलब ईबीआईटी में भी चेंज वैसे ही आएगा जैसा सेल के अंदर चेंज आएगा। इन द केस ऑफ अदर फॉर्म ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट, इट इज़ मैक्सिमम एट द फॉर्म ए, ए पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में सी में और उसके बाद में बी में। द इंटरसेप्शन ऑफ डी ओ एल ऑफ 7 इज दैट 1% चेंज इन सेल्स रिजल्ट टू 7% चेंज इन ईबीआईटी। वो कह रहा है कि अगर डिग्री ऑफ लिवरेज जो है वो 7 है, इसका मतलब क्या है, 1% अगर सेल के अंदर चेंज होगा तो उसकी वजह से ईबीआईटी में 7% चेंज होगा, जो अपन ने पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, कर लोगे। आइए इलस्ट्रेशन थर्ड पे। ए फॉर्म डिटेल आर एज अंडर, इस तरीके से सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, इट एज बोरो 10 लाख 10% एंड इट्स इक्विटी कैपिटल 10 लाख 100 इज, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज कंबाइंड लिवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफ सेल इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द ईबीआईटी। बहुत ईजी, आप खुद कर लोगे, सेल दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट आप 50% कैलकुलेट हो गए, कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, फिक्स कॉस्ट 10 लाख दे रखी है, ठीक है, तो ये आपका ई बी आई टी हो गया, लेस इंटरेस्ट जो है वो आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि 10 लाख पे 10% के हिसाब से ये 1 लाख हो गया, टैक्स 50% दे रखा है, तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर हो गया, और ये आपका ई पी एस हो गया। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी, फाइनेंशियल लिवरेज ई बी आई टी डिवाइडेड बाई ई बी टी, कंबाइंड लिवरेज जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी टी करके भी कर सकते हो। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना कमाया, 50,000 कमाया और कितने पे कमाया, ठीक है, तो उसके हिसाब से कितने पे कमाया, कितने की सेल है, सॉरी कितने का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है ना, इट हैज़ बोरोड 10 लाख एट 10%। देखो ये समझिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन कैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि मालिक कौन है, पैसा लगाने वाले कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, तो सर पैसा लगाने वाले तो जो डिबेंचर होल्डर वो भी है नहीं, उन्होंने पैसा उधार दिया, उन्होंने लगाया नहीं, तो ये क्या कहेंगे, हमने 50,000 रुपये कमाए, कितने लगा के, 10 लाख लगा के, तो हमारा जो कितना है रिटर्न, कितना है इन्वेस्टमेंट पे, 5%, ठीक है। और फिर ऑपरेट, फिर लास्ट के अंदर 6 पॉइंट के अंदर क्या पूछा, इफ़ सेल इंक्रीज बाय 6 लाख व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी, नया ईबीआईटी क्या होगा, तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो है उसके हिसाब से होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है, 6 है, 6 टाइम है, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू 6 है। वो क्या कह रहा है, इफ़ सेल इंक्रीज बाय 6 लाख, सेल जो वो इंक्रीज हुई है 6 लाख से, मतलब कितना परसेंटेज इंक्रीज हुई है, 6 लाख का इंक्रीज हुआ है 24 लाख पे, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख कितने परसेंट से, 25%, तो परसेंटेज चेंज इन सेल जो है वो कितना, 25% है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 × 6 कितना होगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो 6 × 0.25 मतलब कितना, 1.5, मतलब कि 150% चेंज होगा ईबीआईटी में, क्लियर है, 1.5 मतलब कि 150%, ठीक है, तो ये 3 लाख का हो जाएगा। ये एक दो क्वेश्चन है जो बहुत कम है, 3 क्वेश्चन थे, तो अपन ये एक दो क्वेश्चन इसके जो पीछे की साइड में दे रखे हैं वो भी कर लेते हैं। वैसे ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, इसमें से एक आध क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन थोड़ा ढंग का है वो देख लेते हैं। द सेल्स रेवेन्यू ऑफ टी एम एक्सीलेंस लिमिटेड इज 20 रुपीज़ 20 पर यूनिट एंड आउटपुट ऑफ
20 लाख कंट्रीब्यूशन जो है वो 10 लाख एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ DOL ऑफ द कंपनीज 2.5, अभी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 2.5 है. द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आर रुपीज 1 लाख. ठीक है, एप्लीकेबल कॉरपोरेट इनकम टैक्स रेट जो है वो 50% है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 16% पर एनम. ठीक है, वॉट इज़ द EPS एट सेल्स लेवल ऑफ 20 लाख, वो कह रहा है 20 लाख के सेल पे EPS कितना है. द अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट EPS, वो कह रहा है कि ये यहाँ पर फुल स्टॉप कर दीजिएगा. ठीक है, इफ़ या कॉमा कर दीजिए, इफ़ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट EPS, अगर 25% सेल के अंदर चेंज कर देना तो आपका EPS जीरो हो जाएगा. तो देखो जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख देते हैं. सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट, तो ये क्या हो गया EBIT, लेस इंटरेस्ट, तो क्या हो गया EBT, लेस टैक्स, तो EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो EPS. वो कह रहा है अभी सेल जो है वो हमारी कितनी 20 लाख है और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 10 लाख है, वो इसने क्वेश्चन ने दे रखा है. मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी 10 लाख है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी 50% है. क्लियर, फिक्स कॉस्ट कितना है वो पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो वो 2.5. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT अगर करें तो कितना आता है 2.5 आता है. इसका मतलब कंट्रीब्यूशन तो है वो कितना है अपने पास 10 लाख है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय EBIT इज इक्वल टू कितना है 2.5. मतलब EBIT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2.5 इसके डिवाइड में चला जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2.5, तो EBIT कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2.5, तो EBIT आ गया आपका 4 लाख. तो EBIT आ गया आपका 4 लाख, मतलब कि आपका फिक्स कॉस्ट कितना हो गया 6 लाख. क्लियर है यहाँ तक. अब इंटरेस्ट का पैसा कितना है वो पता नहीं, कंपनी जो है वो उसके पास प्रेफरेंस नहीं है. द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 1 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो 1 लाख है, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने 1 लाख. एप्लीकेबल कॉरपोरेट टैक्स जो है वो 50% टैक्स कितने पे 50% पे. ठीक है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल इज 16% पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट कैपिटल इज 16% की इंटरेस्ट पे 16% ब्याज लगता है. वॉट विल बी द EPS, EPS पता करना. इफ 25% डिक्लाइन इन सेल्स विल वाइप आउट EPS, वो कह रहा है कि सेल अगर 25% से कम हो जाए, मतलब कि 20 की जगह कितना हो जाएगा 20 माइनस 25%, मतलब कि अगर सेल जो है वो 15 लाख की हो जाए तो उस केस के अंदर EPS जो है वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा. मतलब EPS जीरो हो जाएगा मतलब कि अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कितना होना चाहिए जीरो, क्योंकि किसी में 1 लाख का भाग दें तो जीरो आए तो मतलब वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए. ठीक है, 15 लाख होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट होती है सब 50% 7.5 लाख हो जाएगी. ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 7.5 लाख. फिक्स कॉस्ट 6 लाख है, वो चेंज होनी नहीं है चाहे सेल जो कम हो जाए. ठीक है, तो आपका कितना बचेगा 1.5 लाख ये बचेगा. अब इंटरेस्ट जो है वो कितना है वो पता नहीं. ठीक है, अब यहाँ से देखिए EBIT जो है वो कितना है जीरो है. ठीक है, तो इसका मतलब टैक्स भी क्या गया होगा जीरो होगा, तो अर्निंग बिफोर टैक्स भी कितना होगा जीरो होगा. कैसे, अगर अर्निंग बिफोर टैक्स 1 रुपया भी होगा तो उस केस के अंदर सपोज यहाँ पर 2 रुपये भी लें तो ये 1 रुपया होगा और यहाँ पर 1 रुपया होगा. यहाँ पर जीरो चाहिए मतलब यहाँ भी जीरो होना चाहिए, यहाँ भी जीरो होना चाहिए, यहाँ भी जीरो होना चाहिए. ठीक है, तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो गया जीरो हो गया. अब अर्निंग बिफोर टैक्स जीरो कब होगा, जब आपका इंटरेस्ट जो वो कितना होगा 1.5 लाख होगा, ताकि EBIT माइनस इंटरेस्ट जो वो कितना हो जाए जीरो हो जाए. तो इंटरेस्ट कितना है 1.5 लाख, तो ये 1.5 लाख हो गया. तो कितना बचा 4 माइनस 1.5 कितना 2.5 लाख. ठीक है, टैक्स कितना चला जाएगा 50% मतलब 1.25 लाख. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचेगा 1.25 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करोगे तो EPS आ जाएगा 1.25. ठीक है, ये EPS आ गया. और आपसे पूछा जाए कि डेब्ट कितने के, तो भाई इंटरेस्ट कितना है 1,50,000 का इंटरेस्ट दे रहे हो और कितने परसेंट है 16% का ब्याज है, मतलब कि कितना हो जाएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 0.16, तो ये कितना हो जाएगा 937,500 का आपका ये अमाउंट हो जाएगा. कर लोगे ये. क्वेश्चन नंबर सेकंड, पता नहीं कौन सी लिमिटेड हैज़ फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इस तरीके से दे रखा है.
सेल्स दे रखा है, ऑपरेटिंग इनकम दे रखा है इंक्लूडिंग 60,000 का डेप्रिसिएशन है, ईबीआईटी इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स टैक्स नेट अर्निंग डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज कम्बाइंड लिवरेज। तो उसके लिए तो अपने को क्या चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह चाहिए। द करंट सेल्स लेवल इफ नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल। वो कह रहा है कि नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन को छोड़ के बाकी सारे क्या है वेरिएबल है। तो मतलब वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 150 में 60,000 डेप्रिसिएशन वाला फिक्स है, मतलब कि वेरिएबल कितने हो जाएंगे 60,000 हो जाएंगे और फिक्स कितने हो जाएंगे 60,000 हो जाएंगे। तो सेल्स दे दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, फिक्स दे दिया, इंटरेस्ट का पता है, ठीक है। तो फिर आपको सारे लिवरेज यहाँ तो कैलकुलेट हो जाएगा, आप खुद ही कर लीजिए। इफ सेल्स रिमेन एट द सेल्स लेवल, टोटल एसेट रिमेन द सेल्स लेवल सेम लेवल बट सेल इंक्रीज होती 20% से डिक्रीज होती 20% से, तो ईपीएस पे पता कीजिए। तो कंबाइंड लिवरेज है तो आप आराम से कैलकुलेट कर ही सकते हो, क्वेश्चन आराम से कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर एक पॉइंट है जो आपको समझने लगेगा, बाकी तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए कंपनी एट द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, ये इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह दे रखा है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम दे रखा है 4 करोड़, फिक्स्ड कॉस्ट जो 4 करोड़, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना है 65% है, सेल का 65% वेरिएबल। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, रेशियो चैप्टर के जो रेशियो है वो सारे याद करके रखिएगा ताकि रेशियो वाले चैप्टर के अंदर, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं पाऊँगा रेशियो अगर आपको याद नहीं होगा, अगर रेशियो याद होंगे तो उसी केस के अंदर मैं समझा जरूर दूंगा रेशियो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा। तो एक बार आप उनको गो थ्रू करके रखें, उनका चार्ट बना के अपने रूम के अंदर लगा के रखें, आते जाते उसको देखते रहें ताकि आपको ज़्यादा बार देखोगे तो वो अपने आप से याद हो जाएंगे, ठीक है। एसेट टर्नओवर रेशियो कितना है 2.5 है, मतलब कि एसेट टर्नओवर मतलब क्या होता है, टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट जो है वो कितना है 2.5 है। अब एसेट जो है वो कितना दे रखा है, टोटल एसेट टर्नओवर है, टोटल एसेट कितना हो गया भाई 20 लाख का, तो टर्नओवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टर्नओवर इज इक्वल टोटल एसेट कितना हो गया 20 लाख इज इक्वल टू 2.5, तो टर्नओवर कितना हो जाएगा 20 × 2.5 कितना हो जाएगा 50 करोड़ है, 50 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अब सेल्स हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 65% है तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट 4 करोड़ है वो लेस हो जाएगा, तो ईबीआईटी आ जाएगा, ठीक है, ईबीआईटी आ जाएगा, फिर उसमें से इंटरेस्ट का कंपोनेंट लेस हो जाएगा तो ईबीटी आ जाएगा, ठीक है, ईबीटी आ जाएगा, तो फिर उसमें से क्या कर दोगे टैक्स का लेस कर दोगे, इनकम टैक्स की रेट है जो दे रखी है, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये 50 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, ठीक है, फिक्स कॉस्ट हो गई, ईबीआईटी और इंटरेस्ट है सब है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा, फिर ईपीएस वगैरह जो भी कैलकुलेट करना है लिवरेज वगैरह वो आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे। क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, और फोर्थ भी बहुत आसान है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अंडर सिचुएशन 1, 2, 3 प्लान ए एंड बी। प्लान ए और प्लान बी के अंदर सिचुएशन 1, 2 और सिचुएशन 3 जो है उन तीनों में कैलकुलेट करके बताना है। कैसे कैलकुलेट करके बताना, एक सेकेंड, कैसे कैलकुलेट करके बताना, इंस्टॉल कैपेसिटी है जो 4000 है, 75% ऑफ कैपेसिटी जो है वो उस पर काम करते हैं, सेल प्राइस 30 per unit है, वेरिएबल कॉस्ट 15 per unit है, फिक्स कॉस्ट अंडर सिचुएशन 1 जो है वो 15,000 20,000 और फाइनेंशियल प्लान ए जो है वो कितना है, इक्विटी जो है वो 10,000 और डेप 10,000 और ऑप्शन बी क्या है कि इक्विटी लें 15,000 की और ये लें 5,000 की। तो अपने को क्या करना है, सिचुएशन 1 उसमें प्लान ए प्लान बी, सिचुएशन 2 जिसमें प्लान ए प्लान बी, ठीक है। अब प्लान ए के अंदर यहाँ पर क्या है, अब आपको पता ही है वैसे, अब इसमें तो क्या दिक्कत है, प्लान ए का दे रखा है कि डेप्ट जो है वो कितना है 10,000 है और उस पर 10,000 पे 20% के हिसाब से, मतलब यहाँ ब्याज कितना जाएगा, इंटरेस्ट कितना जाएगा 2000 जाएगा और यहाँ 5000 पे 20% मतलब 5000 × 0.2 कितना 1000, ठीक है। और अंडर सिचुएशन 1 फिक्स कॉस्ट जो है वो 15,000, ठीक है। तो प्लान ए सिचुएशन 1 के अंदर क्या कर दोगे,
चलो मैं थोड़ा लिखवा ही देता हूँ आपको, ताकि फिर आप कहोगे कि सर ने सही से बताया नहीं। प्लान ए प्लान बी, ठीक है। इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी? 4000। उसका 75% पे काम कर रहे हैं, मतलब कि कितनी यूनिट बनाते हैं हम? 3000 यूनिट बनाते हैं, ठीक है। 3000 यूनिट बनाते हैं, ठीक है। अभी आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको कंट्रीब्यूशन से सीधा शुरू कर सकते हो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तक तो प्लान ए और बी में कोई चेंज नहीं, क्योंकि प्लान ए और बी में सिर्फ फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट में चेंज है, तो और कोई वहाँ तक तो आप सीधा कर सकते हो। 30 रुपीज़ में सेल करते हैं और 15 रुपये कॉस्ट लगती है, मतलब कि 15 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। 3000 यूनिट पर कितना हो जाएगा? 15 × 3000 45000। तो 45000 और 45000 लेस इसमें से क्या करनी है? फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट जो प्लान वन के अंदर जो वो कितनी है? 15000। तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 15000 और प्लान बी में कितना है? 20000। तो 20000 20000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ई बी आई टी, ठीक है। और लेस उसमें से क्या करना? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है वो क्या है? प्लान ए में कितना है? 2000। प्लान ए में कितना है? 2000। ये कितना हो गया? 45000 माइनस 15000 30000 और 25000 25000, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर कितना है? 2000। और प्लान बी में कितना है? 5000 का 20%, मतलब 1000। यहाँ पर कितना वापस? 2000। और यहाँ कितना? 1000। तो ये इंटरेस्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। और फिर आगे है जो इसको कर लोगे अब, आगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है, फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है, और कंबाइंड लिवरेज। अब आगे तो क्यों करो, EBT अगर हो गया है तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ऑपरेटिंग लिवरेज, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, तो फाइनेंशियल लिवरेज, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कंबाइंड लिवरेज, क्लियर है। इस तरीके से आप क्या कर लोगे? कैलकुलेट कर लोगे। समझ पा रहे हो? तो बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया। डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आपको इस तरीके से कर दिया कि अब आपको वापस इसको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये 100% आसानी से समझ पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड को भी कहें सब्सक्राइब करें। और थोड़ा नुकसान हो गया है, ट्राइपॉड टूट चुका है, इसे आज सही करना होगा। किस्मत अच्छे थे कि गांव आते वक्त मैं ट्राइपॉड साथ में लेके आया, तो लॉकडाउन का अच्छा यूज भी हो गया, आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।